हे गाइस, शांतनु हियर। सो दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि एयरटेल का जो वर्तमान प्लान है, जो प्रीपेड प्लान है, वो बहुत ज्यादा महंगा होने वाला है। एयरटेल का जो भी प्लान है उसमें आएगा बहुत ज्यादा चेंजेस, 20 से 25% महंगा हो जाएगा। एयरटेल का जो सर्वनिम्न रिचार्ज था 79 का, वो 99 का हो जाएगा। ठीक है, तो कल उस वीडियो में मैंने एकदम से टोटली एक लिस्ट दे दिया था कि आज का जो वर्तमान प्लान है वो महंगा होने के बाद क्या होगा। ठीक है, तो वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ऊपर आई बटन में यहाँ पे दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। सो ये जो महंगा वाला रिचार्ज है ये 26 नवंबर से इवेंचुअली लॉन्च हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सवाल आ रहा था कि एयरटेल के बाद क्या वोडाफोन आइडिया या जियो, ये दोनों भी अपना रिचार्ज को महंगा कर देंगे। तो स्पेशली आपको मैं पहले बताना चाहता हूँ कि वोडाफोन आइडिया जो है ये आज से ही 25 नवंबर से ही अपने प्लान्स को महंगा कर दिया है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको आज नहीं दिखा रहा है तो आपको कल जरूर दिखाएगा, यानी कि 26 नवंबर आपको जरूर दिखाएगा। ठीक है, तो अभी सवाल उठता है, मतलब बहुत सारे लोग मुझे यही पूछ रहे थे कि ज्यादातर जो लोग था वो तो जियो का सिम यूज करते हैं, तो वो लोग पूछ रहे थे कि हम लोग जियो का जो रिचार्ज है अभी जो करते हैं वो क्या महंगा होगा या नहीं होगा, यानी कि जियो का रिचार्ज महंगा होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जियो का जो भी रिचार्ज है वो मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे चीपेस्ट रिचार्ज है, मोबाइल रिचार्ज। ठीक है, लेकिन इंडिया पे ये तीन कंपनी ही बेस कंपनी है, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एंड जियो। अगर एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ये दो कंपनी अगर अपने रिचार्ज को महंगा कर देता है तो जियो को भी अपना रिचार्ज महंगा करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन खुशी की बात यह है कि जियो ने इसके बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं है। मैं आपको एक बात यहां बता देता हूं कि ये जो एयरटेल एंड वोडाफोन ने अपना रिचार्ज महंगा कर दिया है, जियो अभी नहीं करेगा अपना रिचार्ज। अगर महंगा करता भी है तो अभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग जो एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया का सिम यूज करते हैं वो लोग झट से जियो में पोर्ट हो जाएगा। ठीक है, पोर्ट होने के बाद, जियो एक चालाक कंपनी है, पोर्ट होने के बाद जियो क्या करेगा, उसका रिचार्ज को महंगा कर देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा ही है, अकॉर्डिंग टू मई, मतलब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जियो का जो रिचार्ज होगा, मतलब महंगा होने के बाद भी जो रिचार्ज होगा वो एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया से कम ही होगा। मतलब यानी कि 20-30 रुपीज 25 रुपीज तो कम होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि जियो जो है बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में हम लोगों को मतलब इंटरनेट प्रोवाइड करता है और वॉइस कॉल भी देता है। ठीक है, और ये जो फ्री का वॉइस कॉल है ये जियो ने पहला बार ले आया था, तो इसीलिए मुझे लग रहा है ये कि जियो ऐसा नहीं करेगा। मतलब महंगा करता भी है तो उतना ज्यादा नहीं करेगा जितना एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया करता है। तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और आप अगर जानना चाहते हैं कि जियो का जो रिचार्ज है ये महंगा कब होगा तो आपको एक काम करना होगा। क्या करना होगा? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना होगा, क्योंकि जियो की तरफ से कुछ अपडेट न्यूज आता है तो आपको पहले ही सुनने को मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी के सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।